तो फाइनली आज क्या तारीख है भाई, 21। तो इट इज़ 21 जून, और आज हम यूएस से चल के बाई कार हम कनाडा आ गए, और हम बड़े एक्साइटेड थे ये सोच के कि कनाडा के इमिग्रेशन में क्या होगा, हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, हमारा क्या सामान चेक होगा, क्योंकि हमें बताया गया था कि आप ये नहीं ला सकते, वो नहीं ला सकते। तो हमने कहा कि एक जो हमारा खाने पीने का जो बैग रहता है, हमने सारा सामान उसी में रख लिया, पर हमने डिसाइड किया कि जो भी निकालेंगे वो निकाल दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम कुछ भी फेंक कर नहीं आएंगे, क्योंकि होटल में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोग फेंक देते हैं। तो हम आ गए कार में, और पहले एक टोल टैक्स पड़ा, उसमें उसने $3 चार्ज किए, जो कि यूएस की तरफ था, यूएस बॉर्डर की तरफ। और उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर के अंदर ही करीब करीब कनाडा की एंट्री थी, तो कैनेडियन पर्सन ने हमसे हमारे पासपोर्ट मांगे, और उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो हमने उसको बता दिया कि हम सिर्फ टूरिस्ट हैं, हम तो घूम रहे हैं, तो हम कार से आए हैं। तो उसने पूछा कार किसकी, हमने कहा हमारे अंकल, तो बस उसने और कुछ नहीं पूछा हमसे, और उसने बस इतना पूछा कि कोई टोबैको या अल्कोहल तो नहीं है कार में, हमने कहा नहीं हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते। तो बात ख़त्म हो गई, उसके बाद हम आ गए, और हमें कनाडा आने के बाद हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि हम इतने महीनों से यूएस में रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो हमें लगा जैसे यूएस था वैसे ही कनाडा है, कोई डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने एंटर किया तो एंटर करते ही वही सारे स्टोर्स, कौन कौन से स्टोर्स थे भाई, आपका वॉलमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, या इधर जो भी फेमस डिपो है, हाँ जैसे वॉलमार्ट है, है ना, होम डिपो है, और भी जो और भी जो जितने भी जो स्टोर्स थे, डॉलर ट्री वगैरह, पेट स्मार्ट था और डॉलर ट्री था, सारे वही थे, कोई डिफरेंस नहीं था। तो बाकी ट्रैफिक वही, राइट लेन चलता है, राइट साइड चलता है, बस हमारे साथ एक सबसे बड़ा पंगा हुआ, वो हम आपको बता दें, हमारे पास यूएस का नंबर था, दोनों के पास यूएस मोबाइल है, दोनों के पास इंटरनेट है, और एक ऐसे पॉइंट पर आकर इंटरनेट बंद हो गया जहां हमें ये डिसाइड करना था कि हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करें, तो हम लेफ़्ट चले गए, और हमारा जो यूएस का इंटरनेट था वो यहां कनाडा में नहीं चला, वो बंद हो गया, AT&T का था और वो बंद हो गया। तो फिर मैडम बोली कि भाई चलो पहले कोई मार्केट देखते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम गए एक मॉल में, और वहाँ एक स्टोर था जिसमें हाउस होल्ड गुड्स और खाने पीने का सामान था, तो वहाँ देखा तो एक इंडियन स्टोर था जिसमें मोबाइल की शॉप थी, और वो एक हमारे गुजराती भाई थे, वो वहाँ मैनेजर थे, और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने बोला कि हमें भाई क्यूबेक तक जाना है और 10 दिन के लिए हम यहाँ हैं, तो उसके बाद हम यूएस निकल जाएंगे। तो उन्होंने हमें एक कनेक्शन दे दिया, हमें करीब $56 or $57 के बीच में कुछ कॉस्ट किया वो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कनेक्शन आपका सब जगह फर्स्ट क्लास चलेगा। और तो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, हमारा तो काम हो गया। उसके बाद हम उस पे अपना GPS लगाया, अपना होटल का एड्रेस लगाया, फिर हम होटल पहुँचे। अब होटल पहुँचने के बाद एक नई स्टोरी वो भी बता देते हैं। जनरली क्या होता है कि जो मोटल टाइप के, जो इन टाइप के जो होटल्स होते हैं, वो शहर के बाहर होते हैं, है ना, शहर के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको बड़े होटल मिलेंगे। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, तो हमने सोचा कि जो शहर के आसपास जिसका अच्छा रेटिंग है उसको ले लेते हैं। तो हमने एक $134 का एक होटल हमने ले लिया एक रात के लिए, हमने कहा बाकी तो हम वहाँ जब जाएंगे तो हम शहर के बीचों बीच सेंटर में हम होटल लेंगे, ताकि हम वहाँ का पूरा एंजॉय कर सकें वॉक करके। तो अभी तो हमारा ये है कि हम आज रात उस होटल में हैं। उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हमें सेकंड फ्लोर दिया, सेकंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, इंडिया के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर। तो उसमें हमने पूछा कि भाई हम तो रोड ट्रिप पे हैं और हमारे पास तो काफ़ी सामान है, तो आपके पास लिफ्ट है, तो उसने कहा नहीं लिफ्ट नहीं है। और हमें जो रूम दिया उन्होंने वो अपनी लॉबी के बीचों बीच दिया, जिसमें बहुत सारा चलना था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि ठीक है आप हमें कम से कम नीचे का दे दो, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा नीचे के सारे रूम्स बुक हैं। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ऊपर की लॉबी में जो कॉर्नर वाला रूम था वो हमने उनसे लिया। फिर हमने अपना सारा सामान चढ़ाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम जो मैडम खाना बना के लाई थी यूएस से वो हमने खाया आराम से, मस्ती से, आलू की सब्ज़ी
और नान हमने खाए बैठ के, और उसके बाद फिर हमने कहा चलो गाड़ी उठाते हैं, अब जिस पर्पज़ से आए हैं वो निकलते हैं। तो हम यहाँ सी साइड आ गए, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, लेक व्यू है ये, और लोग बाग यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं, बोटिंग भी कर रहे हैं, है ना, और लोग बाग रनिंग कर रहे हैं, तो अच्छा व्यू है। और अब हमने सोचा है कि अभी हम आधा घंटा करीब हो गया है हमें, करीब 40 मिनट हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं सीएन टावर, और सीएन टावर देखें डे लाइट में भी देख लेंगे और नाइट लाइट में भी देख लेंगे। हाँ मतलब अभी तो यहाँ तो पता नहीं ना कितने बजे रात होती है, क्योंकि जैसे ईस्ट कोस्ट में तो 9 बजे के आसपास रात होती है ना, तो ये एरिया तो उधर ही आ गया सारा है, ये ठीक है, लेकिन वहाँ सैन फ्रांसिस्को यहाँ का सनसेट कितने बजे है देखें, देखना है 9 बजे के आसपास यहाँ सनसेट है, तो अंधेरा तो लेट ही होगा। और दूसरी बात ये थी कि अभी ऑफिस टाइम था तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, भीड़ थी, तो हमने सोचा एक बार लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो बट देखो अच्छा है, हैपनिंग है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हमने मोबाइल स्टोर वाला जो लड़का था, क्या नाम था उसका, निसंग या ऐसी कुछ करके निसर्ग नाम था उसका, तो हमने उससे पूछा कि यार बड़ा सुनने में आता है कि यहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, क्या है, तो उसने बताया कि हाँ इंडियन स्टूडेंट्स क्या, यहाँ सभी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ काम की स्थिति अच्छी नहीं है और इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो बट यार हम तो टूरिस्ट हैं, हमें उन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है कि हाँ देखो अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी काम की प्रॉब्लम है, आप यूएस की बात करोगे तो यूएस में भी काम की प्रॉब्लम है, तो काम की तो प्रॉब्लम है, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से सभी जगह पे कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और बाकी तो ये है कि चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, सारे कंट्रीज में सुधर रही हैं तो यहाँ भी सुधरेगी, है ना, बाकी बहुत सुंदर देश है, अगर आपको घूमने आना है तो आप कनाडा आएँ, जो आप न्यूज़ में देखते हैं पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग उसको भूल जाएं, उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बातचीत करते हैं और खूबसूरत है। चलो मिलते हैं फिर, बाय। लाइन लग गई है उस समय, क्लिक हो गया होगा।